कुछ शुगर की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे, रोजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही, उसने कहा 60 साल, तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख, आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं पर दुख बड़े अच्छे थे, मुझसे पूछो तो दुख बड़े बड़े अच्छे थे। का किस तरह, तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था, एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है, फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई 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 कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है, तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वहसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, का जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी, फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाबे इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है, मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी कितनी, जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा, लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज, मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं दो आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलैखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए, हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाबे यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया, अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरिया अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गा दे लाग, इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश, ये हो नहीं सकता मेरे भाई, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती है, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खेमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं, वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? नहीं, जो जानते हैं वो बोले। जानते हैं जी? लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जी रह गए। जानते हैं ना ख्वाजा साहब को? उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते आप उनके बेटे को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रवानी बेटा हूं, मैं औलाद। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को कम लोग जानते, लेकिन आप वैसे किसी को पूछ के देखें ग्यारहवीं वाला पीर कौन होता है, हर आदमी हाथ उठा के बताएगा खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे। लोग झूम के बतलाएं। मेरे भाई, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फुला होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे होते तो मेरा अप्पा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जा रही थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिजा पे राजी है, इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है, ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा, मारो मारो मैनु मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नु चुल्ले डावा, मालक ही जे भी साल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है, बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा है। मुश्किल के बाद जो आसानी आ, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है, हजरत लुकमान हकीम अले रहमा, आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, को मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा, समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढब सीख जाता है, वो बन जाता है, बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाए। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है, अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं, उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों, दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे, अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है, घोड़े से उतरे, उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई,
इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई पैर, खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहाने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा, अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमा बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है, तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया, बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहब ज्यादा कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे, बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बादिया, वहां जाते, वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए, थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे, बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा, असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाजल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा, रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था, ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे, अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफ़दलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पढ़ने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे, भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तू उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मेरे, मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुबतला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे, बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं, हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का, वो जो सुखी बंदा है ना सुखी। मुझे एक साहब कहने लगे, दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी है दी गल दुखी आई जाने, दुखी है दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे, कहने लगे दुखी है दी गल, ए दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरां, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरां। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए,
तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई, जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था उमैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे 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 पाए होते थे, चार पाइयों के मोटे 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 पान की चार पाइयां और बड़ी चार पाइयां काफर बिछा के बैठ जाते, और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गरम करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, पर उसी मक्के ने मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मेराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी, फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था, कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा है, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में हुजूर की नौकरी की जब दूसरा जानिसार कोई नहीं था, सारे लोग ताने देते, कहते अबू बकर तू अकेला सियाणा है, सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी हुजूर की खिदमत में, हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों से आबा थे, हुजूर ने फरमाया अबू दर्दा को तो बुलाओ। जनाबे अबू दर्दा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे, मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूँ। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूँ, हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था, ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिस जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है, अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। मौला कायनात शेरे खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से, कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, महाजर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे, फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वाला आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला हूं वाज अली युन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी, हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत, 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावील अल-फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए, उस शाम उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहने लगे उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? तो कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए खाना नहीं आया पानी नहीं आया तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफा का दीदार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए, वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो
हजरत उस्मान गनी कहने लगे, मैंने मुस्तफा से अर्ज किया, हुजूर मुझे यहाँ का सुख नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम फरमाते हैं, फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दराजात नसीब, कठन। हजरत अब्दुल्ला मुजनी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुजन के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया, चचा इस्लाम का। पढ़ी नमाज ते रियाज ना सिखिया, ते तेरिया किस कम सिखिया, नमाज ना कर डिठा ना कर वाला डिठा, तेरिया किस कम दितिया निया।